वीडियो और आपका आज के वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं फाइनली वो एक मूवी का टीजर है और मूवी का टाइटल है मुंबई सागा। वेल गाइस, अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में है, डायरेक्ट किया है इस मूवी को संजय गुप्ता ने। और अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अनुराधा और संगीता। और अगर हम इसकी स्टारकास्ट में बात करें तो स्टारकास्ट में है जॉन अब्राहम, इमरान हाशमी, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, रोहित रॉय, अंजना, महेश मंजरेकर, प्रतीक बब्बर, समीर सोनी, गुलशन ग्रोवर, अमूल गुप्ते और भी बहुत सारे। और इसमें जहां तक लिखा हुआ है स्पेशल अपीयरेंस भी है योयो हनी सिंह की। वेल गाइस, अभी हम देख लेते हैं टीजर, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। When Bombay was not yet Mumbai. When violence ruled the streets. Oh God, music check करो यार. Music सुना सुना लग रहा है. हमारे तैयार हो. छोड़ दो. ये different लग रहे हैं. Can rule. तू rule ना कर. मैं मुंबई पर नहीं, जिद पर जीता हूँ। सिनेमास 19 मार्च। बात करें अगर आज इस टीजर की तो बहुत धमाकेदार टीजर था और जितने भी कैरेक्टर्स हमें एक एक झलक देखने को मिली है ना, सुपर। मैं कहूंगी कि ना काफी टाइम के बाद हम लोग को ऐसा टीजर देखने को मिला है जो कि वाकई में आप देखकर बोलते हैं हमने ये मूवी देखनी है, क्योंकि मुझे खुद बहुत मजा आता है इस तरह की मूवीज देखने का। एक पुराने टाइम की जो स्टोरीज हम लोगों के सामने आती है कि किस तरह से एक टाइम लोगों ने गुजारा या उसकी क्या स्टोरी थी उस टाइम। सही बात है। और मैं यह कहूंगी जिस तरीके से एक एक झलक, मैं कहूंगी एक स्नीक पीक हम लोगों को नजर आई हर करेक्टर की, बहुत ज्यादा दमदार। और एक होता है ना कि हर करेक्टर की अपनी खासियत नजर। बिल्कुल, मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा सुनील शेट्टी जी की और महेश जी की। इन दोनों की जो लुक्स आई है ना, वाकई अब ये नहीं भी पता कि ये गैंगस्टर्स ग्रुप में है या ये पुलिस ग्रुप में है, लेकिन जो लुक्स इनकी आई है ना वो बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो सुनील शेट्टी सर है ना वो मुझे थोड़े गैंगस्टर टाइप लगे हैं, और जो मुझे महेश मंजरेकर है वो थोड़े पॉलिटिशियन टाइप, या फिर यू होते ना कुछ ऐसे बड़े, बिल्कुल पावर वाले। लेकिन यहाँ मैं बेसिकली ये कहना चाहूंगी कि समटाइम्स आप मूवी देखते हैं ना, तो जब आपको उसका टीजर या ट्रेलर देखते हैं उसमें सिनेरियो कुछ और होता है, लेकिन जब आप मूवी देखते हैं ना तो उसमें ऐसे जो लोग दिखाए जाते हैं ना वो एकदम एंड पे ये प्रिटेंड कर दिया जाता है कि ये पुलिस वाली साइड पे थे। तो ये चीज को मैं देखकर कह रहा हूँ कि पता नहीं किसकी साइड पे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है गुलशन ग्रोवर जी की अब हमें झलक देखने को नहीं मिली, या अगर बीच में आई भी होगी तो इतनी तेजी से गुजर गई कि पता ही नहीं चला। लेकिन मैं कहूंगी जैसे ही फर्स्ट लुक आती है जॉन अब्राहम जी की, ओ माय गॉड कितने हैंडसम लग रहे हैं वो। अच्छा, मुझे ना जॉन अब्राहम ऐसी मूवीज में और ऐसे करेक्टर्स में बहुत पसंद है, स्पेशली जो एक होती ना बहुत ज्यादा अग्रेसिव हम कहेंगे करेक्टर, यू नो, मार धाड़ फाइटिंग सीन और यू नो बुलेट्स वगैरह, जैसे वो उनका एक स्टाइल मुझे बहुत असल में उनकी बॉडी शेप भी बात करें ना वो भी कुछ इस तरह की है ना, जैसे अगर हम देखें हमने इनकी जो है काफी ज्यादा मूवीज देखी हुई है जो यानी कि जिसमें इन्होंने विलन के तौर पे भी रोल किया हुआ है, हीरो के तौर पे भी रोल किया हुआ है, तो हर पुलिस के मतलब करेक्टर में बड़े अच्छे लगते हैं। तो इनके रोल में जो एक अग्रेसिवनेस शो होती है ना वो बाकी कम ही शो होती है, ये एक पर्सनैलिटी बिल्कुल का करेक्टर होता है पुलिस वाला, दोनों दमदार बिल्कुल। खासतौर पर जब एग्रेसिव रोल दिखाते ना, आंखें ऊपर करते हैं, वो इनका बहुत अच्छा लगता है। इसमें मुझे लग रहा है कि काफी चेंज उनका एक हम लोगों को करेक्टर नजर आएगा, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी जितनी एक हम कहेंगे कि डोमिनेशन वाली एक पर्सनालिटी
सोसाइटी है कि वो डोमिनेट करते हैं, और दूसरी तरफ हम लोग को इमरान हाशमी, आई थिंक हम लोग यहाँ पर थोड़े कंफ्यूज हैं कि जो हमने कुछ दिन पहले एक गाना देखा लुट है गए। लुट गए जुबिन सर का, क्या वो इसी मूवी का, क्योंकि उसमें युक्ति थी, इसमें हम लोगों को कास्ट में युक्ति का नाम कहीं पर नजर नहीं आया। बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूंगा, क्योंकि काफी बड़ी कास्ट है इस मूवी में, लेकिन मुझे लगता है कि जो सुनील शेट्टी सर हैं और जो जॉनी इब्राहिम जी जो हैं, इनके आगे बहुत सारे कैरेक्टर्स दब जाएंगे इस मूवी में। वेल, ये तो वैसे मूवी आएगी तो, लेकिन मुझे लगता है कि इस मूवी में हर कैरेक्टर की अपनी एक इम्पोर्टेंस होगी। और साथ में मैं यहाँ पर म्यूजिक की तारीफ करना चाहूंगी कि बैकग्राउंड स्कोर बहुत बहुत अच्छा, मतलब ऐसा था कि आपको ना थोड़ा सा गूज़बम टाइप आ रहे थे, लाइक यू नो आप इंजॉय कर रहे हो और थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही है कि अभी नेक्स्ट क्या होने वाला, स्टोरी क्या है। बट मैं ये जरूर मूवी देखने वाली हूँ, और ये मूवी जैसे कि 19 मार्च को रिलीज हो रही है, और देखें अभी ये सिनेमा में वैसे बोला गया, वैसे सिनेमा में इसमें तो सिनेमा में बताया गया, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही है, Amazon प्राइम वीडियो पर आ रही है। अब देखते हैं ये सिनेमास में आती हैं या ऑनलाइन आती हैं। और यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहूंगा कि इसमें जो है हमें इतिहास के विलन्स भी देखने को मिलेंगे, तो यू नो गैंगस्टर मूवी है तो सारे एक जगह जमा हो चुके हैं, तो अब देखते हैं मिलके सारे क्या धमाका करते हैं। बहुत बड़ा धमाका होने वाला है गैंगस्टर्स का, बट ये कि अभी ट्रेलर जब आएगा तो मैं सोच रही हूँ कि अगर टीजर इतना दमदार है तो ट्रेलर कितना दमदार होगा। अच्छा मुझे ना एक लुक बड़ी अच्छी लगती है, मुंबई को जिस तरीके से इसे दिखाया जाता है, शॉट्स लिए जाते हैं ना बड़े खूबसूरत लगते हैं, और एक स्टेडियम और साथ में, वैसे मैंने पहली दफा ये वाला शॉट देखा है कि जिसमें स्टेडियम भी दिखा जो है ना, एक तो इफेक्ट्स भी इस तरह के डाले जाते हैं ना कि वो आपको बहुत अच्छा व्यू देते हैं। अच्छा मैं एक सी लुक देते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूंगा, पुराने वक्तों में हम कहते थे विलन्स, गोलियां छोलियां तो वो भी सब कुछ चलाते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलता गया वर्ड्स नए नए आते गए, अब हम कहते हैं गैंगस्टर्स। नहीं वैसे मेरा ख्याल में पुराने टाइम में गैंगस्टर बोला जाता था, अभी विलन। हम तो जो है जो पुरानी फिल्में देखते ना तो यही मशहूर होता है विलन विलन विलन, वो लगभग तो वही दुके शहर में वो आतंकी बुलाते थे ना, गैंगस्टर नहीं होता ठीक है ना, मतलब गैंगस्टर और टाइप के लोग होते हैं, विलन को विलन तो मौसम तुम भी हो सकते हो अगर तुम्हारी नेगेटिव पर्सनैलिटी है, मतलब जिसकी मतलब मुझे ये लगता है कि जो जिसकी नेगेटिव पर्सनैलिटी है वो एक विलन है। ओके, लेकिन अगर गैंगस्टर तो वो एक टिपिकल एक वर्ड यूज किया जाता है ना, जो एक ऐसे धंधे में शामिल होते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल गाइस, मैं खुद ही अपने आप को करेक्ट कर रही हूं। वेल गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, एंड आप लोगों को ये टीजर कैसा लगा जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको ट्रेलर का कितना इंतजार है जरूर बताइएगा। मुझे तो इस साल में बहुत सारी मूवीज का इंतजार है, अभी ये वाली मूवी है, फिर KGF भी आनी है, और मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में जो है ना इसका और KGF का ट्रेलर भी आ जाएगा। मुझे लगता है इसका आ जाएगा, क्योंकि KGF का जहां तक मैंने सुना आई थिंक वो जुलाई में रिलीज हो रही है, तो आई थिंक वो थोड़ा लेट हो, मेरा ख्याल है, मैं शायद गलत भी हो सकती हूँ कि मैंने जुलाई में सुना, मे बी उससे पहले आनी हो, बट मुझे जहां तक याद आ रहा है। वेल गाइस, तो तुम्हारी आज की वीडियो इसी साथ, मैं इजाजत, मेरी वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर की, पसंद प्रेस बाय।